अभी अपन पहुंच रहे हैं काली पुतली चौक पर, और भाई यहाँ पे इतनी सारी भीड़ लगी हुई है अभी। सही, अभी तो हमारे नेताजी यहाँ पर आए भी नहीं है, फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ लगी है भाई। तो जो पुलिस वालों ने अभी जितने भी यहाँ पे बाइकर्स थे और कार वाले थे सबको पीछे करवा दिया है। कुछ कुछ कार वाले थे जो एजेंसी वाले रहेंगे बाहर के थे दूसरे स्टेट के, तो उन्हें जाने दे दिया गया है, और बाकी जितने भी सबको वापस भिजाया जा रहा है। देखो यहाँ सारे के सारे जैसे आए थे वैसे वापस जा रहे हैं। हम तो पैदल वाले, हमको कौन भगा सकता है वापस। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ पैदल चलने के फायदे। सारे कमिश्नर साहब को यहाँ से जाने दे दिया गया है, उन्हें कौन ही रोक सकता है। तो अभी हम जा रहे हैं पीछे वाले रास्ते से। पीछे वाले रास्ते को पता है क्या? हाँ पता ना, मेरे को सच में नहीं पता था। तो अभी चलते हैं यार पीछे वाला रास्ता ढूंढते हैं पहले, तो फिर उसके बाद जाएंगे सीधे हम कार्यक्रम स्थल पर जहाँ पे हमारे होम मिनिस्टर साहब आने वाले हैं। पर अभी एंट्री बोल रहे थे नहीं भाई, 2 बजे आने वाला ही। कुछ अच्छा हो ना, हो मौसम बहुत प्यारा हो गया, क्योंकि गर्मी जो थी ना अभी पिछले कुछ दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी भाई। अभी हम पहुँच चुके हैं हमारा होटल शिवाय। होटल में कुछ खा लेते हैं यार पहले, चलो। तो पहुंच चुके हैं हम लोग हमारे शॉर्टकट से रास्ते में, जहाँ से हम मतलब ये पीछे वाला रास्ता है ना। हाँ पीछे, इस पीछे वाले रास्ते से जा रहे हैं भाई। यहाँ तो जाम लग गया है बस एक ऐसे छोटे छोटे। अरे हमारे बूढ़े दादा कितने साल के हैं, ये क्या काम कर रहे थे? देखो भैया पेट पालने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। और देखो ये एक है, इसके पहले आया कभी यहाँ पे? भाई बहुत बार मतलब मुझे हो गया था 10-12 बार हो गया। हाँ चढ़े यार यहाँ पे बहुत गंदी रोड है। देखो हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमारे मंत्री जी का मंच स्थापित किया गया है। देखो फिर एक बार मोदी सरकार झंडे से, हमारे जगह भाजपा के झंडे लगे हमारे, भाजपा का झंडा, भाजपा का झंडा देख सकते हो आप। अभी काफ़ी कम भीड़ लग रही है, काफ़ी कम लग रही है अभी, आने वाली शायद अभी तो लोग आने स्टार्ट हुए, अभी लोग आएंगे। हाँ आएंगे, मतलब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी संख्या बढ़ रही है। बाकी देखो व्यवस्था इतनी अच्छी है, ग्राउंड बहुत बड़ा है, टेम्प्रेरी है, परमानेंट है। और देखो मोदी जी और बैनर चने की दुकान, पॉपकॉर्न तो भाई हर जगह ही मिलेंगे आपको। ये कैमरामैन नहीं बन सकता है, ये जो एंकर होता है ना जो जहाँ जा रहा है उसके ऊपर फोकस नहीं करेगा, ये अपने मन से कुछ भी दिखाएगा। कैमरामैन नहीं बन सकता जो मुझे अच्छा लगता है, जिसको लोगों को अच्छा लगे उसको दिखाने के लिए। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पे सिर्फ वो एक ही पैंट क्या बोले इसे, तो पूरा वो बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे? अरे जो भी बोलेंगे मुझे नहीं पता। जैसा सनशेड होता है ना, बारिश से बचाता है, और मेरी आवाज़ मेरे को पता ही नहीं आ रही होगी यहाँ पर पहुँचा था नॉइज़ और आवाज़ भी चल रही है। तो झंडे कैसे हिल रहे हैं उधर, दिखाओ ना भाई। तूफान आया है भाई, तूफान देख सकते हैं, धुआं काफ़ी धुआं है, कुछ बन रहा है शायद, नहीं फिर यहाँ कुछ चल रहा है, चल नहीं रहा है, यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है, देख सकते हैं आप भाई। वो उनको देख कर मेरे को लग रहा था कि शायद यहाँ धूल वूल हो रही होगी हवा की वजह से, लेकिन फिर बाद में जब अंदर गए उसके बाद देखे हम लोगों ने भाई, पता चला कि तो वो है पानी से वो जो वेपोराइज होता है ना वाला भाप है ठंडी ठंडी हवाओं के लिए। गर्मी बहुत थी पर ये वेपोराइज करके और ज़्यादा गर्मी बढ़ा ही रहे हैं, क्योंकि नेचुरल हवा तो यहाँ पर चली रही थी। अब गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर खाने की व्यवस्था भी की गई है भाई, पूरी 6 जगह व्यवस्था, पूरी 6 जगह व्यवस्था की, 6 जगह भाई, पूरे 6 जगह व्यवस्था की गई है खाने की। और ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत लोग होंगे यहाँ पे, हज़ारों की संख्या में लोग आते जा रहे हैं, हज़ारों पर जाते जा रहे हैं। अंदर आपको ले जाके लेकर चलता हूँ मैं, आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग खाना खा रहे हैं।
जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था दोस्तों कि यहाँ पर पब्लिक काफ़ी संख्या में होगी, तो आप देख सकते हैं। देखिए आप सबको यह भी अवगत है कि हमारे जिले में 3-6 विधानसभा क्षेत्र हैं, काफी पब्लिक है। 6 विधानसभा क्षेत्र के लिए कितने बज रहे हैं? देखो 4 बज रहे हैं और वहाँ पे अनाउंसमेंट में करे मतलब अनाउंसमेंट करके बताया गया है कि अमित शाह अभी दुर्ग से निकल रहे हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है अभी लोगों को आए हुए, बहुत सारे लोग देखो वापस जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वापस जा रहे हैं। भारत का विश्व में नाम हो रहा है, इस काम को पहुँचाने वाले घर घर तक पहुँचाने वाले हैं।